शांति। आज रविवार है तो हम क्या सुनेंगे? जी हाँ, हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। तो आज की तारीख है 5/4/20 और अव्यक्त ज्ञान मुरली की तारीख है 19/12/85 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बहुत छोटा परंतु बहुत जिंदगी को फायदा करने वाला, तो वो है फॉलो फादर। मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्ड करने के लिए बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है। बाबा को मिलन मनाने यदि हम बच्चों के सन्मुख आना है तो बाबा को क्या करना पड़ता है? बाबा कहते हैं विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को देह का आधार लेना पड़ता है। तो किसका आधार लेते हैं? गुलजार दादी के तन का। तो किस लिए आधार लेना पड़ता है? बच्चों को भी विदेही बनाने के लिए। जैसे बाप विदेही देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप में विदेहीपन का अनुभव कराते हैं, ऐसे आप सभी जीवन में रहते देह में रहते विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो इस देह द्वारा करावनहार बनकर कर्म कराओ। बहुत स्पष्ट और सरल भाषा में बाबा ने हमको बताया कि बाबा को क्यों देह धारण करना पड़ता है। ये देह करणहार है और आप देही करावन हार हैं। इस स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। ये स्मृति अगर है तो करणहार कौन और करावन हार कौन? अगर ये स्मृति है तो बाबा कहते हैं विदेही स्थिति है। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित रखो। कौन सी दो स्थिति? बाप को फॉलो करने की स्थिति है अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव, और दादा अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए सदा अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्थिति भव। इन दोनों स्थिति में स्थित रहना फॉलो फादर करना है। कितना बाबा ने अच्छी बातें दोनों की बताई, तो हमें कैसे इन दोनों को ऐसे फॉलो करना है। इससे नीचे व्यक्त भाव, देह भान, व्यक्ति भाव, इसमें नीचे नहीं आओ। ये स्थिति बनाने के लिए आप उस ही स्थिति में रहो। फिर ये व्यक्त भाव, व्यक्ति भाव, देह भान, इसमें नीचे मत आओ। व्यक्ति भाव व व्यक्त भाव नीचे लाने का आधार है। इसीलिए सबसे परे इन दो स्थितियों में सदा रहो। तीसरी के लिए ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा की शिक्षा मिली हुई है कि इस गिरावट की स्थिति में संकल्प से व स्वप्न में भी
नहीं जाना, ये पराई स्थिति है। जैसे अगर कोई बिना आज्ञा के परदेश चला जाए तो क्या होगा। बाप दादा ने भी यह आज्ञा की लकीर खींच दी है कि इससे बाहर नहीं जाना है। अगर अवज्ञा करते हैं तो परेशान भी होते हैं, पश्चाताप भी करते हैं। इसलिए सदा शान में रहने का, सदा प्राप्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होने का सहज साधन है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, वो कर रहे हैं, हमें उनको देख करके करना है तो सहज हो जाता है। जीवन में बचपन से फॉलो करने के अनुभवी हो। अच्छा, अब मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा के द्वारा, अव्यक्त बाप दादा के द्वारा याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए बाबा कहते हैं, सदा फॉलो फादर करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा प्रसन्न विशेष आत्माओं को, सदा करावन हार बन देह से कर्म कराने वाले मास्टर रचयिता बच्चों को, ऐसे बाप दादा के स्नेह का जीवन द्वारा रेस्पॉन्ड देने वाले स्नेही बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। स्पष्टता, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग, हाँ, फिनिश करना होता है। लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही उपकारी बन सकेंगे। तो सदा स्वयं को भरपूर भी अनुभव करेंगे। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे और स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी स्लोगन है, स्लोगन में है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। जितना त्याग करेंगे उतना भाग्य बनाने के लिए जो गुण चाहिए वो गुण बाबा ने बताए, सरलता और सहनशीलता स्वतः ही अंदर में प्रवेश करेंगी। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।